अस्सलाम वालेकुम जनाब, जो लोग फ्री लांसिंग में हैं और फ्री लांसर हैं या बनना चाहते हैं और तरक्की करना चाहते हैं, तो फ्री लांसिंग बेसिकली है क्या, पहले तो ये समझ लें। फ्री लांसिंग कोई भी काम पर्सनल लेवल पे किसी के लिए करना, यानी ना तो आप जॉब कर रहे हैं और ना ही आप किसी कोई कंपनी बना के बिजनेस कर रहे हैं, बल्कि आप वन टू वन बेसिस पे लोगों के लिए काम कर रहे हैं, जिसको सेल्फ एम्प्लॉयड भी कहते हैं। अच्छा जनाब, फ्री लांसिंग के साथ एक और मिसकंसेप्शन लोगों के जहन में आता है कि ये सिर्फ टेक्नोलॉजी रिलेटेड काम होगा या इंटरनेट पे ही किया जा सकता है। ऐसा भी नहीं है, आप फ्री लांसर फोटोग्राफर भी बन सकते हैं, आप फ्री लांसिंग में टीचिंग भी कर सकते हैं, आप फ्री लांसिंग में किसी के कपड़े भी सी सकते हैं, आप फ्री लांसिंग में कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है ना। यानी जो काम आप इंडिविजुअल वन पर्सन बेसिस पे कर रहे हैं, दैट इज़ फ्री लांसिंग, जो मैं समझ पाया हूँ। लोग डिसएग्री कर सकते हैं इस डेफिनेशन से। बहरहाल, तो आते हैं जी फ्री लांसिंग के बाद। अब आपने फ्री लांसिंग को मार्केटिंग कैसे करना है, अगर आपकी कोई फ्री लांसिंग स्किल है जिसको आप सेल आउट करना चाहते हैं। तो नंबर वन, यहाँ स्किल चलती है, डिग्री नहीं चलती। बहुत सारे फ्री लांसिंग के काम ऐसे हैं जहाँ पे लोग आपसे डिग्री का पूछेंगे ही नहीं। व्हाट दे वांट, कि क्या आप उनको उनका डिजायर्ड आउटकम दे सकते हैं या नहीं, तो वो आपसे नहीं पूछेंगे कि आपने कौन से स्कूल से फोटोग्राफी सीखी है, वो नहीं पूछेंगे आपने कहाँ से कुकिंग सीखी है, वो नहीं पूछेंगे आपने वेब डिज़ाइनिंग कहाँ से सीखी है। रादर देन वो आपके काम पर फोकस करेंगे, वो आपका पोर्टफोलियो देखेंगे कि आपने कितना काम किया, कहाँ कहाँ काम किया। दैट इज़ वन, नंबर वन। नंबर सेकेंड, स्किल नॉट नॉलेज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत से लोग क्या करते हैं, वो एक चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकल कंटेंट पढ़कर आ जाते हैं, लेकिन अगेन फ्री लांसिंग में लोग नहीं जानना चाहते कि आप फोटोग्राफी के बारे में कितना जानते हैं। उन्हें कोई इससे सरोकार नहीं है, वो आपकी फोटोग्राफी से उनके लिए मैटर करता है। तो आपने किताबें पढ़ ली हो, लेकिन उन किताबों की नॉलेज को इम्प्लीमेंट ना किया हो, उसको प्रैक्टिस में ना लाए हो, तो मैटर नहीं करता फ्री लांसिंग में ज़्यादा ना। फ्री लांसिंग में काम ज़्यादा मैटर करता है, एक्सपीरियंस जो कि काम करके आएगा। और उसके लिए हो सकता है शुरू में आपको फ्री में भी काम करना पड़े, तो आपने फ्री में फ्री लांसिंग करनी है, लेकिन अपना पोर्टफोलियो आपने रिच करना है। जितने बड़े लोगों के साथ या जितने नोन लोगों के साथ आपको फ्री में भी काम करने का मौका मिले, तो आई थिंक यू शुड गो फॉर इट। आपका क्लाइंटाइल बेस तो ये एक्सपीरियंस से खुद ही बनता चला जाएगा, कितने स्ट्रॉन्ग क्लाइंट्स हैं आपके पास और वो आपको कितना रेफर करते हैं। देखिए, एक तो है कि मैं अपनी प्रोफाइल में बहुत सारे क्लाइंट्स का नाम लिख लूँ, ये भी मैटर करता है, लेकिन ये बहुत कम मैटर करता है। ज़्यादा मैटर क्या करता है कि मैं अपने क्लाइंट्स को ऐसी चीज़ डिलीवर करूँ कि वो खुद मुझे और क्लाइंट्स ला कर दें, तो दैट इज़ मच मोर इम्पॉर्टेंट, जिसको माउथ पब्लिसिटी भी कहते हैं। उसके बाद आता है जनाब पर्सनल ब्रांडिंग, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप यहाँ पे वन मैन शो चला रहे हैं ना, आप अपनी स्किल्स बेच रहे हैं, तो आपकी पर्सनल लाइफ बहुत मैटर करती है बाज़ औक़ात। तो आप कैसे ड्रेस कर रहे हैं, आप कैसे लोगों से बात कर रहे हैं, आप कैसे लोगों को लेकर चल रहे हैं, डील कैसे कर रहे हैं, दैट ऑल मैटर्स। तो ये पैकेज भी आपको बनाना पड़ेगा। और अक्सर ऐसा होता है जो टेक्नोलॉजी बेस्ड फ्री लांसिंग कर रहे होते हैं, तो वो लोग बड़े रोबस्ट होते हैं, लड़ जाते हैं, लोगों को डील करना नहीं आता उन्हें, तो वहाँ उन्हें बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो ना लड़ें ना लोगों को डील करने में प्रॉब्लम आए, इन चीज़ों को भी सीखें, सॉफ्ट स्किल्स को सीखें, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। बिज़नेस में दो चीज़ें बहुत मैटर करती हैं, रिलेशनशिप एंड इन्फॉर्मेशन। ये चीज़ मेरे उस्ताद ने मुझे सिखाई थी, मिस्टर सुलेमान अहमद जो टाइम लेंडर्स के फाउंडर हैं। तो दो चीज़ें, आपके पास इन्फॉर्मेशन कितनी है, नंबर सेकेंड आपके पास आपके रिलेशनशिप्स कैसे हैं। जनाब उसके बाद आता है जी यही रिलेशनशिप वाली बात, कि कितनी सॉफ्ट स्किल्स को यूज़ करते हुए आप लोगों से अपना रिलेशनशिप बना रहे हैं और इस लेवल पे लेके जा रहे हैं कि दे स्टार्ट गिविंग यू वर्क या रेफरिंग यू टू समवन एल्स। पर्सनल सर्विसेज हैं ये चूके, तो पर्सनल सर्विसेज में आपका इन्वॉल्व होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये बिल्कुल ऐसे है कि एक मशहूर खाना पकाने वाला अगर वो स्टाफ रख ले और स्टाफ खाना पकाए, तो शायद बिजनेस प्रोसेस तो बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, जैसे मैकडोनल्ड्स का बहुत स्ट्रांग है, लेकिन वो जो अपनापन है वो मिसिंग होगा। तो पहले तो आप डिसाइड करें ना, अगर आपने फ्री लांसिंग में रखना है तो वो अपनापन वाला एलिमेंट इसमें होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना मुश्किल हो जाएगी। तो जनाब थैंक्स अ लॉट, उम्मीद है आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ होगा। तो आप इन चीज़ों को सामने रखते हुए अपनी मार्केटिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं और फ्री लांसिंग में ज़्यादा काम हासिल कर सकते हैं। थैंक्स अ लॉट।